फिर पूरे परिवार नु लेके जायो। हां हौसला नहीं छड़ीदा। हां ते फिल्म देखियो 15 अक्टूबर तक। फैमिली फिल्म है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਸ਼ਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਂ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾਓਂ ਮੇਂ ਹੈ। 15 ਅਕਟੂਬਰ ਕੋ ਉਨਕੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चाएं हैं उनकी हेल्थ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद से वो लगातार परेशान हैं। अब जैसे तैसे करके वो काम पर वापस तो लौटी हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर वो मायूसी साफ तौर पर नजर आती है। सबका यही सवाल है कि अब वो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगी। तो शहनाज ने इस पर अपना रिएक्शन दे दिया है, बता दिया है कि अब वो जिंदगी में खुद को कैसे संभालेंगी। दरअसल उनकी फिल्म हौसला रख का जो नाम रखा गया है, उन्होंने कहा है कि ये हौसला रख कर ही मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। दरअसल फिलहाल शहनाज गिल इस स्थिति में नहीं है कि प्रॉपर तरीके से खुद हर एक चीज में अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही है अपनी तरफ से। तो दिलजीत दोसांझ ने एक इंटरव्यू के दौरान जिस तरीके से उनका इंटरेक्शन चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि फिल्म का टाइटल है हौसला रख, तो सब बताएं कि भाई आप किस तरीके से किसको कहेंगे कि भाई हौसला रखो। तो सब अपना अपना बता देते हैं कि मैं उस पर्सन के लिए कहूंगा कि हौसला रखो, लेकिन शहनाज गिल कहती हैं हौसला रखने की बात ये मैं खुद के लिए कहूंगी, क्योंकि मुझे जिंदगी में हौसले की ही जरूरत है ताकि मैं आगे ठीक से बढ़ पाऊँ। तो इस तरीके से ये बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि उन्हें इस हौसले की कितनी जरूरत है, क्योंकि सिद्धार्थ के जाने के बाद उनके हाल किस तरीके से बिखरे हुए हैं ये उनकी इस बात से पता चलता है। शहनाज गिल की फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है हमें बताइएगा जरूर। और इसी तरह से हर एक खबर के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।